महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह ने कहा कि विश्व की अति प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एक बार फिर वैश्विक पुनर्स्थापना की ओर अग्रसर है। संकट काल में ही हितैषी की पहचान होती है और कोरोना के संकट में पूरी दुनिया में संक्रमितों के इलाज व रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु आयुर्वेद की उपयोगिता सच्चे हितैषी के रूप में प्रमाणित हुई है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वह समय अनुकूल शोध व अनुसंधान के जरिए समूचे विश्व की आयुर्वेद से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करें। प्रोफेसर ए.के. सिंह शुक्रवार को महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम की संस्था गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में बीएमएस प्रथम वर्ष के नवागत विद्यार्थियों के दीक्षा पाठचर्या ट्रांजिशनल करिकुलम समारोह के पांचवें दिन आयुर्वेद के इतिहास, दर्शन व अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने आयुर्वेद के विषय में जो शोध किए उसे आज विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। यह चिकित्सा पद्धति त्रिदोष, कफ, वात व पित्त के प्रबंधन के माध्यम से समग्र आरोग्यता प्राप्त करने की पद्धति है। त्रिदोषों के प्रबंधन के लिए पंच महाभूतों के बारे में विश्लेषणात्मक जानकारी आवश्यक है, इसलिए आयुर्वेद के छात्रों को अपने विषय के प्रति एकाग्रचित और मननशील होना चाहिए। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उपलब्ध अद्यतन संसाधन, वातावरण, फैकल्टी की सराहना करते हुए कहा कि इन सबके समन्वय में यहाँ के विद्यार्थी आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वर्णिम सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि व पक्का इरादा को अपना मूल मंत्र बनाना होगा। एक अन्य सत्र में गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संहिता सिद्धांत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कुमार एम ने विद्यार्थियों को अंतरव्यक्तिक संबंधों पर जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि एक योग्य चिकित्सक बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होने पर ही हम मरीज की परेशानी को बेहतर तरीके से समझकर उसे संतोषप्रद इलाज दे सकेंगे। एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर अभिनीत वाजपेयी ने बेसिक लाइफ स्पोर्ट और फर्स्ट एंड विषय पर जानकारी साझा की। दीक्षा पाठचर्या समारोह में शुक्रवार के पहले सत्र में महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के दौर का बीएमएस विद्यार्थी आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन और योग तीनों का ज्ञाता होता है। विद्यार्थी को स्वमूल्यांकन के आलोक में आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। एमबीबीएस के छात्र जहां सिर्फ दो भाषाओं की जानकारी रखते हैं, जबकि बीएमएस के विद्यार्थी इसके साथ ही देवभाषा संस्कृत में भी दक्ष हो जाते हैं। आज नासा ने भी संस्कृत की वैज्ञानिकता को अंगीकार किया है। डॉक्टर राव ने कहा कि महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत के आयुर्वेद के सिद्धांतों को हमें एक बार फिर प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करके दुनिया के सामने रखना है। इस आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना का यह एक प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को भी इस उद्देश्य के साथ जुड़ना होगा। वक्ताओं का स्वागत गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर पी सुरेश ने किया। कार्यक्रमों में प्रोफेसर डॉक्टर एसएन सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही।